तो सबसे पहले बात करेंगे कि जेमनाई के लिए पर्सनली ये क्या है। जेमनाई के लिए बहुत ज्यादा सक्सेस और लग्जरीज लेके आ रहा है। ट्रैवल करवाएगा, ट्रैवल के इश्तियाक पैदा करेगा, ट्रैवल की तरफ लेके जाएगा, कैरियर में इज्जत और नाम बनेगा कैरियर में। उसके बाद बॉसेस के सामने बड़ी इज्जत पाएंगे ये, प्रमोशन, पे राइज के चांसेस बनेंगे जेमनाइज के, और अच्छी सिग्निफिकेंट इनकम्स के जराए बनते नजर आते हैं। और कोई ऐसे भी होगा कि अगर विरासती जायदाद से भी कुछ आने के चांस होंगे। अगर कोई लोग ऐसे जेमनाइज जो हम क्योंकि वेस्टर्न से नहीं बता रहे होते, ये अपने व्यूवर्स को फिर कंफर्म कर दें, ये असेंडेंट पे या उस पे मून साइन के हिसाब से कर सकते हैं। जिनको मून साइन नहीं पता होता, मून साइन कैलकुलेटर आजकल अवेलेबल होते हैं, बस दे जाएं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखें और अपना मून साइन चेक कर लें। इसमें ये होगा, इनहेरिटेंस से कुछ ना कुछ मिलता नजर आता है अगर फंसा हुआ था। लाइफ पार्टनर के साथ भी इनके मामला बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं, अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है। लेकिन ये वीनस का टाइम, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत तेज वो है, तो इसका टाइम बहुत कम होता है। ये अभी 7 जुलाई को ये कैंसर में भी चला जाएगा, फिर उसके डिफरेंट रीडिंग्स होंगी। लियू के लिए जैसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वाइज लियूज को बहुत फायदा होने वाला है, और इनको जॉब चेंज करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन ये अच्छा चेंज पॉसिबल होगा। इसी तरीके से अगर कोई न्यू कंपनी या न्यू बिजनेस लॉन्च कर रहे थे तो उसमें सक्सेस मिलेगी। इंसेंटिव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लियूज के, और अपने ही बिजनेस से अच्छा पैसा बना पाए। इसके बाद इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उसमें रेवेन्यू में इंक्रीज नजर आता है लीव्स के लिए, और ये किसी प्रॉपर्टी या लैंड में भी इन्वेस्ट करते नजर आते हैं, या इन्होंने अगर कोई इन्वेस्ट किया था पिछले दिनों तो अब लीव उससे निकल सकते हैं, बहुत अच्छा इनको मिल सकता है। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी तो लाइफ पार्टनर से मामला वैसे ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि किसी की भी कम्युनिकेशन जब भी डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहला उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो उसकी मैरिड लाइफ पे आता है। एनी हाउ, उसके बाद वर्गो बड़े अच्छे से पिस रहे थे, पिछला पूरा टाइम इन्होंने सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के असरात को लिया। इनके लिए भी फिनेंशियल टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, पैसा बनाने का टाइम है, किस्मत चमकेगी। अच्छा, किस्मत चमकेगी, पैसा आएगा, अच्छी लक इनके साथ होगी, अलाउंसेस और इंसेंटिव्स मिलेंगे, और इसी तरीके से अच्छा पैसा भी इकट्ठा करने का टाइम होगा है। इसका मतलब फिर हम तो आप पे नजर रखे हैं। उसके बाद ये जो अच्छी हेल्थ की तरफ भी एक जज्बा बढ़ाएगा ये टाइम जो है, और ऐसा लगेगा कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं इस टाइम में, आपसे जब से ये वीनस एंटर हो गया। हेल्थ के मामला चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे, और अपने जो जिनसे प्यार करते हैं उनसे फ्रीक्वेंटली आप रबते में रहेंगे और अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे उनके साथ भी। उसके बाद सेजिटेरियंस के लिए वीनस का ट्रांजिट जो है वो अच्छी, इनके लिए भी कैरियर वाइज जॉब वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्विच करते नजर आते हैं। ये भी हो सकता है स्विच करें अपना कैरियर, बड़े कैरियर में नाइन वो इमरान खान की तरह वाला यू टर्न आ जाए, फुल 9 180 डिग्री वाला, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। प्रमोशन, पे राइज इंक्रीज होता लग रहा है, ऑन बिजनेस में भी अच्छी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। अगर कोई इकट्ठे वेंचर्स थे उसमें सक्सेस गेन करेंगे। इनको ओवरसीज से कोई फायदा होता नजर आ रहा है, रियल स्टेट में या ओवरसीज से, दोनों जराए से इनका कोई ना कोई ताल्लुक बनेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़े अच्छे गेन करेंगे अगर उसमें कोई काम कर रहे हैं, और न्यू रिलेशनशिप्स में जाते नजर आते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नई मतलब जो अफेयर्स या चीजें, और मैं समझ रहा हूँ कि ओवरऑल इनके लिए भी बहुत अच्छा ये टाइम सेजिटेरियंस के लिए। इनके लिए वैसे ये साल भी बहुत अच्छा था ओवरऑल, लेकिन खसूसन अभी तो एक आपको पता है अप एंड डाउन मिक्स एंड मैच ही होता है। उसके बाद एक्वेरियंस के लिए जो है
मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रहेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी जो पोजीशन है, जो उनकी मैं समझता हूँ कि मुकाबलेबाजी है राइवल्स के साथ, और नए जैसे कहते हैं रास्ते निकालेंगे पैसा बनाने के, और नए ज़राए से पैसा बनता नज़र आता है, इनकम के ज़राए नज़र आते हैं, इनको भी जायदाद से विरासती जायदाद से कोई फ़ायदे होते नज़र आते हैं, और फिनंशली अगर फ्रीलांसर भी हैं तो बहुत अच्छा इनके लिए टाइम है, रोमांटिक रिलेशनशिप भी इनहेंस होंगी, और अच्छा मतलब फैमिली लाइफ वाइज भी बहुत अच्छा है, और इस टाइम पे हेल्थ इशू नहीं होंगे, हेल्थ वाइज भी ये बहुत ज़बरदस्त फील करेंगे। ये वीनस के वो हैं, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जब आपने ये सवाल किया तो आज के हिसाब से नेक्स्ट अपकमिंग टाइम में जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। उसके बाद 29 जून को जो है 29 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न रहेगा वही लेकिन अपनी मूवमेंट बदलेगा, उस मूवमेंट के भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है उसमें एक एरीज है, एरीज को बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे 29 जून से ऑनवर्ड। जेमिनी इसमें कॉमन हो गया, अब देखिए ना 500 जी में उधर से बेनिफिट आया वीनस की मूवमेंट से, इधर से सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से, तो अब इससे आप समझ लें कि जेमिनी का बड़ा सा बहुत जबरदस्त नहीं था, अब से जबरदस्त होगा, मतलब ये जून जून का महीना गुजारे। और उसके बाद हाँ ओके ओके, अच्छा आप बात कर लें, मैं सवाल साथ ऐड कर देता हूँ, जवाब दे दीजिएगा, वो कौन से सितारे हैं जिनके ब्रेकअप होने हैं और पैचअप होने हैं, वो भी जरा बता दीजिएगा रिलेशनशिप्स के हवाले से। देखें ये जो जिनके नाम हमने लिए हैं जो अभी इनके रिलेशनशिप भी आपने सुना ना वीनस उन सबको रिपेयर की है, और जिनके मिसाल मैं देता हूँ एरीज के जो आठवें घर जो एरीज का हुआ वो स्कॉर्पियन हुआ, सिक्स हाउस उसका हुआ वर्गो का हुआ, उसका थर्ड जेमिनी हुआ, ये अगर जेमिनी को छठे आठवें या बारहवें घर में ले जाएं किसी के भी आठवें में ले जाएं एट्थ हाउस बने वो कोई भी अपने नाप ले अपने असेंडेंट से गिन ले आगे 1-2 से, मैं सीधा ही फार्मूला दे देता हूँ, जिसका ताल्लुक बनेगा जिस प्लैनेट का छठे आठवें बारहवें का उसको ट्रबल्स होंगी, छठे में कंपटीशन है बीमारी है, आठवें में सडन गेन्स भी होते हैं लेकिन ब्रेकअप्स भी होते हैं, बारहवें में भी सेम सडन जो है वो लॉसेस की तरफ होता है, तो ये 6, 8, 12 जिसका भी जेमिनी साइन है और उसमें ये मूवमेंट है तो जाहिर बात है वो मूवमेंट वो जगा देगा उसको उस ताल्लुक को, तो ये होता ये है कि ये मूवमेंट्स इसी तरीके कभी आपका कभी मेरा कभी उसका यूं ही मिक्स चलता है। तो बहरहाल लिब्रा की बात करें, लिब्रा के लिए बहुत ज़बरदस्त, आप तो वर्गो पे सर मार रहे थे ना, रे से अगर रिजवान करें तो लिब्रा बनते हैं, फिर भी बहरहाल हैप्पी रिलेशनशिप्स होंगी, पार्टनर्स के साथ इंजॉय करेंगे, अच्छा फैमिली वाइज बहुत अच्छा टाइम है और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हुए होंगे, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा, एज ए प्रोडक्टिव टीम लीडर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और प्रमोशन और उसके भी चांसेस होंगे, पे राइज और प्रमोशन उसकी फिर आपने ट्रीट इधर ही आके देनी है। उसके बाद अच्छी फॉर्च्यून और बिजनेस ऑनर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, लिब्रा के तौर पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा लेकिन फैमिली लाइफ इमोशनली बहुत ज़बरदस्त सब जाएगा। उसके बाद एक्वेरियस ट्रैक दोबारा उसमें भी था बेनिफिशियरी, इस सैटर्न रेट्रोग्रेशन में भी है, मैंने इसलिए ये दो मूवमेंट बता दी हैं क्योंकि ये दो मूवमेंट जब हम बात कर रहे हैं आज ही हो चुकी है और होनी है 29 को इस महीने, तो मैंने कहा कि यही चले एक अच्छा है, इस बहाने आपके व्यूवर्स को इनका पता चल जाएगा।